अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। बारिशों का मौसम चल रहा है तो मैंने सोचा आप सबको अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँ, तो ये खट्टे मीठे पानी की पकौड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही मज़े के होते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक बाउल ले ली है, 150 ग्राम तकरीबन बेसन है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/5 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1/6 तकरीबन टीस्पून है ये फूड कलर है, अच्छा कलर आएगा पकौड़ों का, इसलिए मैंने यूज़ किया है, आप स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको डिजॉल्व करेंगे। एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है आपने, याद रखिएगा। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, इसको बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना है, नॉर्मल होगा ये इसका बैटर। ये देखिए, अब इसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट कि ये फ्लफ़ी और लाइट हो जाए। फ्लफ़ी और लाइट बैटर की वजह से फुल्कियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। ये देखिए, मैंने हैंड बीटर का यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा डाला है चुटकी भर, और थोड़ा सा नमक डाला है, ज़्यादा नमक मत डालिएगा क्योंकि जो आपने पानी में डालेंगे उसमें वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो नमक ज़्यादा हो जाएगा। अब ये मैंने पानी लेके चेक किया है, अब ये तैरना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है आपका बैटर रेडी है। अब इसको मैंने कुछ देर के लिए रख दूँगी। अब तेल गर्म करने के बाद मैंने हाथ के से छोटे छोटे फुल्कियाँ बनाई हैं, चाहे तो आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि मैं गोली बने, छोटे छोटे बनाए हैं मैंने क्योंकि काफ़ी फूल के बड़े हो जाते हैं जब ये पानी में जाएंगे। कलर इसका काफ़ी अच्छा आया है क्योंकि मैंने इसमें फूड कलर यूज़ किया है। अब ये पानी लिया है मैंने सादा, इसे फूल के मैंने डाल दी है, 5 मिनट के छोड़ दूंगी। और अब हम पानी की तैयारी कर लेते हैं खट्टे मीठे पानी की। इसकी चटनी बनाएंगे, धनिया लिया है, पुदीना है, थोड़ी सी अदरक है, हरी मिर्ची है, और जीरा पाउडर है, सॉल्ट, और ये इमली का पानी है, आप जितना चाहें आप रख सकते हैं। थोड़ा मैंने पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी। देखिए ब्लेंड हो गया है, अब इसको एक बॉल में शिफ्ट कर दूँगी और थोड़ा पानी हमने जग से धो के इसमें डाल दिया है। ये कुटा हुआ धनिया है 1/2 चम्मच, थोड़े से लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको ऑमिट कर सकते हैं। इसको मैंने अब चेक करूँगी इसका टेस्ट, और सॉल्ट डाल दिया है, अभी चिल्ड वाटर है ये भी हमने इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और यहाँ लेमन लिया है मैंने 1 लेमन पूरा, इसका मैं रस निचोड़ दूँगी। ये बहुत ही मज़े का पानी होता है खट्टा मीठा। और यहाँ मैंने गुड़ लिया है तकरीबन 2 चम्मची, अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वाइट शुगर मत डालिएगा। नमक मुझे कम लगा था इसलिए मैंने नमक डाला है, यहाँ पे थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट भी डाला है और थोड़ा सा गुड़ और डाला था, ये पानी मुझे कभी का लग रहा था, आपने टेस्ट पर डालिएगा। थोड़ा सा इमली का पानी मैंने मज़ीद डाला है क्योंकि मुझे इसमें से टेंगी टेस्ट थोड़ा कम लग रहा था। और जो पकौड़े हमने डाले हैं वो आप पानी में हम शिफ्ट कर देंगे, याद रखिएगा पानी का टेस्ट ज़्यादा तेज़ होना चाहिए ताकि जो है जब पकौड़े आप डालेंगे जब सोक करेंगे तो ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये चना है मैंने, ऑप्शनल है ये, 1/2 कप मैंने डाला है वाइट चने, जिसे काबली चना कहते हैं। आजकल बरसात का मौसम बहुत मज़ा आता है सुखाने में। और थोड़ा प्याज है, थोड़ी धनिया डाली है मैंने। अब केयरफुली आपने स्टर करना है, ज़्यादा मत चलाइएगा चम्मच, मैंने पकौड़े टूट जाएंगे। टेस्ट मैंने कर लिया था, ये अब ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। ये देखिए, इसको सर्विंग में आपने एक बॉल में पेश करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।